इंदौर जिले की सभी तहसील जूनी इंदौर, कनाडिया, बिचोली, हप्सी, मलारगंज, खुड़ेल, राव, डॉक्टर अंबेडकर नगर, महू, सांवेर, दयालपुर व हाथौद में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9425046807। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगातार अलग अलग तरह से लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई वाहन चालक बेखौफ होकर ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करते हैं। इसी कड़ी में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महंगी कार से एक युवक स्टंट कर रहा है। फिलहाल पूरे ही मामले में वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। पूरा मामला इंदौर के लसोड़िया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं वीडियो में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पूरा मामला इंदौर के लसोड़िया थाना क्षेत्र के सिका स्कूल चौराहे का बताया जा रहा है, और सिका स्कूल चौराहे पर एक महंगी कार से वाहन चालक स्टंट कर रहा है। वहीं वीडियो में भी देखा जा सकता है कि कार चालक चौराहे पर धीरे धीरे कार को लेकर आता है और फिर अचानक कार को चौराहे पर गोल गोल घुमाने के बाद वहां से निकल जाता है। फिलहाल पूरा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और जैसे ही पूरे मामले की जानकारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची, पुलिस ने इस पूरे मामले में गाड़ी नंबर के आधार पर वाहन चालक की तलाश की, और पुलिस ने इस पूरे मामले में मनीष जायसवाल नामक वाहन चालक को हिरासत में लिया, तो वहीं गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। वहीं मनीष जायसवाल के द्वारा पुलिस को बताया कि वह देर रात मनोरंजन करने के लिए अपनी कार से निकला था और अचानक उसने इस तरह का स्टंट चौराहे पर कर लिया। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की है और उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। भारतीय न्यूज के लिए इंदौर से दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। लसोड़िया थाना क्षेत्र का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक महंगी कार को व्यक्ति स्टंट कर रहा है और बार बार उसको सर्किल में चौराहे पे घुमा रहा है। यह जो कार्रवाई है, ये निश्चय ही आम जनता के नुकसान करने वाली है। इससे कोई भी ऐसी घटना हो सकती थी जिससे व्यक्ति को जान माल का नुकसान होता। उक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए उस वीडियो फुटेज के आधार पर वो लोकेशन ट्रेस की गई जहाँ की ये घटना थी, और वो गाड़ी भी ट्रेस की गई, और इसमें धारा 279 IPC का FIR दर्ज किया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी फिलहाल जब्त होकर थाने पर है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार चालक लापरवाही से चलाने वाले? ये कार चालक, बाइक चालक सभी के लिए यही संदेश है कि अपना कोई ऐसी कार्रवाई आप ना करें जिससे आपकी स्वयं की जान और रास्ते पर चल रहे अन्य राहगीरों की जान का खतरा पैदा हो। आप अपने छोटे से मनोरंजन के लिए एक बहुत बड़ी घटना अंजाम कर रहे होते हैं। थोड़ी भी इसमें गलती हुई, कोई ऊंच नीच हुआ, कहीं से कोई आ गया, कोई बुजुर्ग आ गया, महिला बच्चे आ गए, या कोई ऐसा वाहन वाला आ गया जो खुद को नहीं रोक पाया, तो बड़ी घटना हो सकती थी। एक कहावत है कि जो स्पीड है वो थ्रिल करती है और स्पीड किल्स, तो दोनों चीज़ें हैं, इसलिए आपको नहीं करना है। और कानूनन भी एक अपराध की श्रेणी में आता है और निश्चय ही इस चीज से लोगों को दूर रहना चाहिए। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।